आगे ए वेस्ट समझ में आ गया, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचना, नेसेसिटी मालूम हुआ जो आपको जीवन में सोचना ही पड़ेगा, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, ये सब सोचना पड़ता है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, मेनली आपको 7 वैल्यूज बताया, उसमें से आपको 5-6 वैल्यूज बताएंगे जो हमारा मन नेगेटिव करता है। सभी सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड। बोलो, 6 वैल्यूज है, 6 वैल्यूज नहीं है, 6 वाइजर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाइजर्स, वो जो पहले बताए नॉलेज स्पिरिटी उसको वैल्यूज, इसको क्या बोलते हैं, वाइजर्स। क्या क्या बोलो, एंगर का मतलब क्या है, यू नो, गुस्सा। किसको नहीं आता है गुस्सा, इधर कोई है गुस्सा से मैं जीत गया हाथ उठा, आपको आता है गुस्सा। गुस्सा कैसा आता है, बोल के आता है, बिना बोल के आता है, बोल के छोर कैसा आता है, बोल के आता है, इन्फॉर्म करके, इनविटेशन दे करके, या कुछ आपको खबर भेज के आता है, कुछ और कैसे आता है, विदाउट योर नॉलेज आता है। ऐसे ही मन में भी ये छोर कैसे आते हैं, विदाउट अवर नॉलेज, है ना। तो अभी एंगर का मतलब क्या है, वन लेटर शॉर्टर देन डेंजर। डेंजर का स्पेलिंग क्या है, हाँ, डेंजर में डी निकाला तो क्या है, है ना, एंगर क्या है, डेंजर, एंगर क्या है, हाँ। तो आपको देखना है आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा आया, जलस आया, जलस सबको मालूम है, हाँ, वेरी यूज़फुल, राइट। कोई भी आपके आगे कुछ बढ़ रहा है, आपसे भी ज्यादा फेवरेट बन रहा है, तो अंदर क्या होता है, जलन, 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 उसको क्या कहते हैं, जलस। इज इट गुड, फिर भी हम क्या करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, यू नो दैट। अभी लोग क्या करते हैं दुनिया में, सिगरेट पैक में क्या लिखा होता है, सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ, फिर वही पीते है ना, है ना। क्यों, मन में शक्ति नहीं, क्या नहीं, मन में शक्ति नहीं। अब हेट्रेड का मतलब क्या है, अभी समझो, आपका एक फ्रेंड है, उसको आपने बर्थडे पर उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, और मन में एक थॉट रखा, मेरे बर्थडे में भी वो कुछ देना है, मेरे बर्थडे में भी वो कुछ देना है। आपका बर्थडे आया, वो कम से कम विश भी नहीं किया, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अंदर एक थॉट आ जाता है, नेक्स्ट टाइम लेट मी सी, ऐसे। फिर दूसरा टाइम बर्थडे आया, आपको समझ में है कि आज इनका बर्थडे, अब क्या करते, क्या करते आप, और बड़ा तोहफा लेकर के उसके देंगे, देखो कितना अच्छी से बोलते, सच्चे मन के सच्चे आप सब, हाँ बोलो, क्या करेंगे उस समय, विश भी नहीं करेंगे। देखो वो ऐसा कर रहे हैं, आप भी उसको कॉपी कर रहे हैं, तो आप में उसमें क्या अंतर हुआ, है ना, ये सब भी हमारे अंदर बन चुका है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या होता है, उसको मन से दूर करना, और होता है ईगो। ईगो का मतलब क्या है, ईगो मतलब अहंकार, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया, आपके अंदर क्या हो जाता है, रेस्पेक्ट नहीं दिया तो क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, क्यों, ईगो। मेडिटेशन क्या करते हैं, आपको ईगो से भी बड़े बाहर ले जाता है।